नगर पालिका निगम भिलाई ने सोमवार को जीई रोड किनारे करबला मैदान स्थित सैलानी दरबार में 25 साल पुराने किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह 5 बजे 12 से अधिक दुकानों और मजार के पीछे कई अवैध कब्जों समेत सैलानी दरबार का ऊंचा गेट भी जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि मस्जिद समिति को सालों पहले 800 वर्ग फीट की जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन समिति ने 2.5 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के तहत निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले ही कब्जेधारियों को नोटिस जारी कर दुकानों को खाली करने का समय भी दिया था, लेकिन कब्जाधारी नहीं माने। इसके बाद निगम ने सोमवार सुबह 5 बजे से मौके पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। मस्जिद समिति का कहना है कि ये कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से बिना नोटिस जारी किए की गई है। उन्होंने इस जमीन के नियमितीकरण के लिए आवेदन भी दिया था और मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन निगम जानबूझकर आदेशों की अनदेखी कर कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने हमारे मेन चबूतरा को तोड़ दिया, जिस पर हमारी आस्था है, जो हम गरीब लोगों के लिए सहारा बना रहे थे कि गरीब बच्चियों की शादी होगी, गरीब बच्चियों के लिए हमें हमारा एक जगह बन जाएगा, बरसात होता है तो हमें खर्च होता है। हम यहाँ पे सारे प्रोग्राम प्रशासन के सामने कहिए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी किसी लीडर को यहाँ नहीं बुलाया। जो भी प्रोग्राम किया हमने प्रशासन को बुला करके किया। एसपी आते थे यहाँ, कलेक्टर आते, अरे कलेक्टर कभी नहीं आए यहाँ, एसपी और एडिशनल एसपी, सीएसपी, सारे लोगों को हम बुला करके सब चल रही कार्रवाई के दौरान पहुंचे आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि कब्जेधारियों को कई बार नोटिस जारी किया गया था और आखिरी नोटिस 3 दिन पहले जारी किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई की। निगम प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर समिति ने कब्जा किया था उसकी कीमत करोड़ों में है और करबला मैदान में धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध कब्जा कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। ये गलत है, लगातार इनको नोटिस दी गई है इसकी शिकायत की कि ये गैर धार्मिक उपयोग करके और व्यवसायिक उसका उपयोग कर रहे हैं और अतिक्रमण हमारी काफी कीमती जमीन है ये, और इसको पहले भी नोटिस दिया था, अंतिम नोटिस इनको 3 दिन का दिया था कि आप इसको खाली कर दीजिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है। इन्होंने आवंटन की मांग की है, पर आवंटन की जो धार्मिक उपयोग कर रहे हैं उसमें निम्न कर कार्रवाई विचाराधीन है। बाकी इनको बता दिया गया कि गैर अतिक्रमण जो धार्मिक उपयोग है और अतिक्रमण किया हुआ और उसको आप करना है, तो आज ठीक है, उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है। लगातार शिकायत उनकी थी कि धार्मिक के उसमें भाड़ में दुकानें बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अतिक्रमण था हमारा, तो हमारी जमीन है, अंदर की जमीन है, नहीं है। देखिए आप लोग पहले भी देखे हैं कि जहाँ हमारी जमीन में अतिक्रमण है तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कार्रवाई होती है, इसलिए आज फॉर्मेलिटी पूरी की और बात कर रहा हूँ। तो कितना डिसमेंटल करेंगे यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे 4-5 दुकान थी, ये पीछे बाउंड्री वॉल था और पीछे आदमी में तो उन्होंने प्लिंथ वगैरह और कॉलम डाला हुआ था, उसको कार्रवाई किए। जितनी दुकानें और रोड पे जो उन्होंने गाड़ियाँ रख के डंप की हुई हो, ऐसा नहीं है 30 साल जो रह रहा होता तो अभी पट्टा मिल गया होता। बहरहाल सोमवार हुई इस कार्रवाई से शहर भर में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब वही देखना होगा कि निगम और इतने कैसे अतिक्रमण जो करके लोगों ने रखे हुए हैं उन पर अपना बुलडोजर चलाता है और उन्हें कब्जा मुक्त करता है या फिर खाना पूर्ति कर छोड़ देता है और अपनी बेशकीमती जमीनों को बचाता है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।